हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं हूँ आपका अपना बिग बुल फिटनेस 25। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे जो गोवर्धन पूजन है उसके दो व्लॉग होने वाले हैं, यानी कि दो पार्ट होने वाले हैं। मैंने जैसा बताया था, पहला पार्ट बहुत लंबा था इसलिए मैंने वो पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड कर दिया। और मैं अभी तक, आप मानेंगे नहीं, मैं अभी तक देख रहा हूँ वो, मतलब अच्छा व्लॉग है, मज़ा आया इस वाले व्लॉग में देख रहे हैं। वो रेस्पॉन्स भी अच्छा है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो जैसा मेरा कहना था कि वही ब्लॉग है ये, अब इसका पार्ट टू में डालूंगा। अगर मेरे को शाम तक, अगर मेरा ये ब्लॉग का पूरा ऊपर बन गया, रेडी हो गया, तो मैं शाम को डालूंगा, वरना मैं कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा इस ब्लॉग को। सेकंड पार्ट है ये इसी का, इसमें आगे की चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, गोवर्धन पूजा का रह गया है अभी, और उसके आगे का इसके अंदर है, ब्लॉग में रहेगा, आप देखना ज़रूर इसको। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे ब्लॉग में। जब भी कहीं बाहर से आओ, इसका ऐसा ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। उतो माल लगा दी, माल लगाइए सबने, किसी ने प्यार नहीं किया, मैं करूंगा प्यार। अच्छा चलो शांत हो जाओ, जाओ अब। सेंटिमेंटों का प्यार है ये इसका। थोड़ी देर बाद तू कौन मैं कौन, समझ में आता सब मेरे को। अभी चलते हैं, इसको देखते हैं क्या कर रही है। ये देखो, क्या कर रही हो भाई, देख रहे हो क्या हरकत है। अभी देखो इसका पैकेट लूंगा, हरकत देखना इसकी। बस यही प्यार है तेरा, हाँ? दे दे। काटेगी नहीं, पर वैसे गुर गुर करती रहेगी। अच्छा ठीक है, नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। ये आज का आउटफिट है, ये भी टी शर्ट टाइट हो गई है बहुत, पहले बहुत ढीली आती थी, देख रहे हो। और करेंगे वुमेन धीरे धीरे कपड़ा टाइट कर देंगे, जीन्स भी बहुत टाइट आती है अब, खरीद नहीं रहा मैं जीन्स जानबूझ के इसी चक्कर में यार, कि कब क्या हो जाए। अभी कटिंग भी करनी है, फिर प्रॉपर बल्क भी करना है, अभी कुछ पता नहीं होता। नाउ इट्स टाइम फॉर सप्लीमेंट्स। वन स्कूप वे प्रोटीन, वन स्कूप क्रिएटिन एंड वन स्कूप ग्लूटामाइन। और शेक करेंगे इसको, फिर अपने पीने गएंगे इसको, आराम से बैठेंगे पियेंगे। कुछ भी बोलो, इसमें प्रोटीन का टेस्ट बहुत अच्छा है, और ये थोड़ा सा निकल आया बाहर शेक करते टाइम, इसलिए अब ज़्यादा शेक नहीं करेंगे, सीधा पी लेंगे इसको, घटक लेंगे, बॉडी बनती है भाई इससे भी, थोड़ा बहुत तो रिकवरी होती है। और हाँ एक बात और, वे प्रोटीन लेने से सिर्फ आपकी रिकवरी होगी, आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा। मसल ग्रोथ आपको प्रॉपर अपना प्रोटीन डाइट से ही करना पड़ेगा। हाँ, मुझे अब आपसे एक और बात करनी थी कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि प्रोटीन लेने से बॉडी बन जाती है, हम बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों जैसे दिखेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात, जेनेटिक्स आपका बहुत बड़ा प्ले रोल करते हैं बॉडी बिल्डिंग में। मेरे जेनेटिक्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, मेरे बाइसेप की पीक नहीं दिखती, पर मेरा ओवरऑल बाइसेप जो है वो 15.5 इंच का है। मैं कभी भी टी शर्ट वगैरह पहनता हूँ तो उसमें वो दिखता है। और दूसरी बात आपकी, हमेशा ये देखिए, जैसे नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, चिकन वगैरह बहुत दबा के चलता है, और हमारे इंडियंस में ठाकुर वगैरह भी बहुत खाते हैं, पंडित लोग भी खाते हैं, बाहर खा लेते हैं। जैसे मैं खाता हूँ चिकन, पर मैं घर में नहीं खाता, बाहर जाकर खाता हूँ, तो ऐसी वो कोई बात नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन ले भी सकते हैं, आपको भाई लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ले भी सकते हैं, वाली तो बात ही नहीं है, इसमें लॉजिकल ही नहीं है। बहुत से लोग अपना जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको वे प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनके घर में चिकन वगैरह अंडे वगैरह बनते ही बनते हैं। पर फिर भी इन द केस में, मैं भी जैसे मैं डेली चिकन नहीं खा पाता, मैं हफ्ते में दो या तीन बार ही चिकन खा पाता हूँ बाहर जा करके, तो मैं अपना वे प्रोटीन ज़रूर कंज्यूम करता हूँ। और भाई करो, वे प्रोटीन लो, ये मत सोचो कि भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भाई देखो सीधी सी बात है, वे प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन है,
अंडों में आपको फाइबर भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, कार्ब्स भी मिलेगा, तो वो बॉडी के प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन की जो वैल्यू होती है, जो बॉडी को चाहिए होती है, वो उसमें मिलती है। ऐसे ही सेम चिकन के साथ है। तो जितने भी बाहर से जो प्रोटीन होते हैं अपने, जैसे एग्स हो गए, चिकन हो गए, फिश हो गई, और अपना पनीर वगैरह हो गया, पनीर थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, इन सब में प्रोटीन तो होता है, पर प्रोटीन के साथ फाइबर वगैरह भी होता है। तो इनको आप वे प्रोटीन के एक स्कूप से रिप्लेस नहीं कर सकते। एक स्कूप या दो स्कूप या तीन स्कूप या पांच स्कूप भी अगर आप एक दिन में वे प्रोटीन ले रहे हो, आपकी बॉडी उस लेवल से नहीं बनेगी। आपको खाना खाना पड़ेगा मेरे भाई, आपको अपनी डाइट बनानी पड़ेगी। आपकी डाइट क्या मांग रही है, आपकी बॉडी क्या मांग रही है, वो आपको देना पड़ेगा बॉडी को। और होली दिवाली रक्षाबंधन को तो मत सोचो। हाँ, बल्किंग कर रहे हो तो अपना 10-15 दिन में एक चीट मील ले सकते हो, और कटिंग कर रहे हो तो महीने में भाई चीट मील मुश्किल से एक या दो ही करो, समझ रहे हो। तो अपना खाओ पियो और मज़े लो। बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छा गेम है, अपना खेलो, अपना करो और लाइफस्टाइल भी मेंटेन करो। अब आ गए पूजा करने गोवर्धन महाराज की। देखिए ये कैसे बैठी हुई हैं, ये पापा हैं, ये हमारी मम्मी बैठी हुई हैं, और गोवर्धन हमारे पिताजी ने इस तरीके से बना दी, बिल्कुल बॉडी बिल्डर जैसे फूले हुए, जैसे प्रोटीन पी लिया हो इनने। देखो अलग से ऐसा लग रहा है, एकदम डोले छोले हैं। देखो गोवर्धन महाराज की एकदम शिवम जैसे लग रहा है, पिताजी ने मुझसे इंस्पायर होकर बना दिए हैं। पिताजी भी हमारे ना अलग ही लेवल पर चलते हैं। ठीक है, पर कोई नहीं है, गोवर्धन की पूजा वगैरह करेंगे। हमारे पिताजी ने स्टार्ट कर दी है पूजा, आरती वगैरह कर रहे हैं अपना। जैसे देखो इससे भी वहीं लदना होता है जहाँ मम्मी पापा होते हैं, बिल्कुल पीछे बैठी हुई है। ये देखो मानती नहीं है यार ये अगली, मतलब यार भला पूजा के टाइम पे फिर गालियाँ खाती है, फिर कहते हैं कि सब मारते हैं, हद होती है इसकी भी यार। देखो कैसे पीछे छिपके बैठी है, हद होती है यार लड़की की भी। उठ ले वहाँ से, ज़्यादा सही रहेगा तेरे लिए, उठ जा। लो भाई हमारी बारी आ गई है पूजा करने की। अब हम पूजा करेंगे, टीका वीका लगाएंगे गोवर्धन महाराज को, फिर अपना लड्डू लगाएंगे इनके आशीर्वाद का। हमें तो लड्डू से मतलब है भैया अभी कुछ दिनों तक, कल से प्रॉपर डाइट स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो ये है कि भाई थोड़ा तो मतलब ही होना भी ज़रूरी है भैया, लाइफ के मज़े नहीं लोगे तो कब लोगे। तो बस पूजा पाठ इनकी करेंगे, फिर परिक्रमा लगाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो सीताराम भगवान की जय। बोलो पूछने के मम्मी के पीछे पीछे घूमती रही। दे दो उसको लड्डू, दे दो ना यार एक दे दो उधर। थोड़ा और दे दो। ये थोड़ी बहुत जैसा मैंने आपको बताया था कि टेरेस पे थोड़ा बहुत काम वगैरह करवाया, भाई ये करवाया टेरेस पे काम। देख रहे हो हमारी मम्मी को भाई प्लांटिंग का बहुत शौक है, तो बस लगा रखी हैं प्लांट्स वगैरह बहुत। अभी और करेंगे, ये रही माता श्री जय। हमारे माता की जान खाने के लिए एक व्यक्ति हमने रखा हुआ है, दो लड्डू खा गई, बस बहुत है। देख ले बोलो ना, हैंडशेक किया था ये पिताजी, गवार है। चलो भाई चले भाइयों, मंगलवार आज मंदिर हो है, हर जगह वाइब्स आ रखी दिवाली वाली। हनुमान जी के मंदिर आ रहे हैं भाइयों, मंगलवार है आज। तो भाइयों पूजा वगैरह भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, और अब हम फ्री हो गए हैं, सोने का टाइम हो गया, नींद भी बहुत जोर की आ रही, थक गए हैं आज पूरे दिन में, कल रात को भी लेट हो गया था सोने में क्योंकि पिक्चर वगैरह देखने के लिए गए थे। तो चलो अब मिलते हैं तुमको अगले व्लॉग में, जहाँ पे जिम वगैरह करते हुए आपको नज़र आएंगे, जो हमारा मेन पर्पस है। सोएंगे अब, ठीक है।
और इस ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो। अब आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, जहाँ पे हम आपको जिम करते हुए नज़र आएंगे, जो हमारा मेन पर्पस है। ठीक है।